हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है नोवेटेक चैनल पर। एंड फाइनली 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 यहां पर सैमसंग ने इंडिया के अंदर अगस्त 2019 का जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है वो इंडिया में रिलीज़ कर दिया है, यानी कि FOTA के थ्रू इंडिया में रोल आउट कर दिया है। एंड अगर आप चाहें तो उसको अपने सेटिंग से जा कर के अपडेट कर सकते हैं, बट उससे पहले आप मेरी वीडियो ध्यान से देख लेना, बिकॉज इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं कि इस अपडेट में क्या कुछ इंप्रूव किया गया है एंड क्या कुछ जो है हमें नया देखने को मिलता है। यहाँ पर इस अपडेट के बारे में मैं काफ़ी टाइम से बातचीत कर रहा था कि अपडेट आने वाला है एंड फाइनली इंडिया में रिलीज़ हो गया है। इस अपडेट से मेरी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि सैमसंग काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट करने वाला है अपने A50 के अंदर। तो देखेंगे कि भाई हकीकत में सैमसंग ने अपडेट के थ्रू वो सभी चीज़ों को इंप्रूव करा है या नहीं करा है। एंड यहाँ पर सबसे पहले बात करें अपडेट फाइल के बारे में, तो 320 MB के आसपास की अपडेट फाइल थी एंड सैमसंग ने डिस्क्रिप्शन में काफ़ी कुछ मेंशन किया हुआ था, जैसे कि इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर इंप्रूव करा है, एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करा है, स्नैपचैट है, उसे तो मैं देखते हैं इंस्टॉल कर दूँ हम। खैर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर कुछ और भी इंप्रूवमेंट, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि डिवाइस की जो बैटरी है उसका एल्गोरिदम को इंप्रूव किया गया है और उसको स्टेबल कर दिया गया है। एंड जो कि सैमसंग के डिवाइसेस में हमेशा से मेंशन किया हुआ था कि डिवाइस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करा है, बग्स को फिक्स किया है वगैरह वगैरह। जो यहाँ पर मैन है वो फिंगरप्रिंट के बारे में है और बैटरी के बारे में। अब बैटरी का एल्गोरिदम इंप्रूव करने से आई होप के जो मतलब रात भर में मेरी बैटरी ड्रेन हो रही, शायद वो ऐसा ना हो, वो लेटेस्ट अपडेट के बाद में हो रही थी, बट मैं काफ़ी ज़्यादा होप कर रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। सो यहाँ पर बिना टाइम गवाए करते हैं इस अपडेट को इंस्टॉल और देखते हैं क्या कुछ नया मिलता है। सो हियर वी गो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइनली हमारी डिवाइस अब अपडेट हो चुका है, और अपडेट होने में काफ़ी टाइम ले लिया, लगभग से 8-9 मिनट तो लग गए थे अपडेट होने में। एंड यहाँ पर स्टिल अभी भी जो यहाँ पर मेन चीज़ है, यानी कि अभी कंप्लीट अपडेट नहीं हुआ है, सिस्टम के अंदर एप्लीकेशंस इंस्टॉल हो रही हैं। सो यहाँ पर एप्लीकेशंस को इंस्टॉल हो देते हैं एंड जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मिलते हैं। और भाई यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मोबाइल काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया, मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं था जितना हीट हुआ। नॉर्मली नहीं होता है अपडेट इंस्टॉल करने में, बट इस वाले अपडेट में काफ़ी ज़्यादा हीट हुआ ऊपर की तरफ से, बिकॉज इसका मदरबोर्ड जो है इसका ऊपर की तरफ है, सो एयरपीस एंड थोड़ा ऊपर की डिस्प्ले की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया। खैर यहाँ पर एप्लीकेशन हमारी इंस्टॉल हो चुकी है एंड यहाँ पर भी काफ़ी टाइम लगे, लगभग से 2-3 मिनट तो लग ही गए इंस्टॉल होने में एप्लीकेशन को। मैं भी ओवरहीट हो रहा था इस वजह, थोड़ा प्रोसेसर स्लो वर्क कर रहा था। एंड यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे, अपडेट होती है आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, री रजिस्टर योर फिंगरप्रिंट अगेन, यानी कि सैमसंग ने जैसा कि बताया था कि फिंगरप्रिंट को यहाँ पर इन्होंने इंप्रूव करा है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में आपको दोबारा से री रजिस्टर करने पड़ेंगे अपना फिंगरप्रिंट को, जो कि एक हो सकता है काफ़ी एक कोई मेजर इंप्रूवमेंट करो। पहले मैं फिंगरप्रिंट को रजिस्टर करता हूँ एंड देन फिर मिलते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली मैं फिंगरप्रिंट की जो परफॉर्मेंस उसको इंप्रूव करा है या नहीं करा है सैमसंग ने इस अपडेट के बाद में। और मैं यहाँ पर अपने फिंगर को और जो मोबाइल की डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एरिया उसको एक बार क्लीन करूँगा, देन हम रजिस्टर करेंगे जिससे कि परफेक्ट जो है हमारा फिंगरप्रिंट रजिस्टर होए, तो चलिए से कर लेते हैं। और भाई मतलब फिंगरप्रिंट रजिस्टर कर ही रहा था, यहाँ पर मुझे एक पॉपअप आ गया कि योर डिवाइस हैज़ बीन अपडेटेड, अपडेट होने का मैसेज मिल चुका है, तो इसे करते हैं साइड में। भाई जल्दी से फिंगरप्रिंट रजिस्टर करते हैं एक बार। ओके सो यहाँ पर फिंगरप्रिंट रजिस्टर हो चुका है, पहले मैंने 2 फिंगरप्रिंट करते हैं एक ही थंब के, अब यहाँ पर मैंने सिंगल थंब का करा है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब भाई सच में फिंगरप्रिंट इतना ज़्यादा इंप्रूव करा है,
बहुत ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट हो चुका है, एक बार में अनलॉक हो रहा है और काफ़ी फास्ट अनलॉक हो रहा है। यहाँ पर इस अपडेट में मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिंगरप्रिंट को सैमसंग ने इतना इंप्रूव कर दिया, मतलब लग ही नहीं रहा है। फर्स्ट जनरेशन का फिंगरप्रिंट आप खुद देखो, आपके A50 है, अगर आप A50 यूज़ करते हो तो अपने इस डिवाइस के अपडेट करने के बाद में रजिस्टर करना अपना फिंगरप्रिंट को, उसके बाद में यूज़ करके आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि फिंगरप्रिंट आपका कितना इंप्रूव हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा। मैं आपको इतना यकीन दिला सकता हूँ कि पहले के मुकाबले 50-60% ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट हो चुका है, इतना ज़्यादा फास्ट और फिंगरप्रिंट स्कैनर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एक्चुअली में फर्स्ट जनरेशन को इतना ज़्यादा फास्ट कर दिया है, कमाल का। ये अपडेट अब तक का मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट अपडेट है सैमसंग के A50 के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम A50 का फिंगरप्रिंट स्कैनर था जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लो था, एंड यहाँ पर सैमसंग ने उसको काफ़ी इंप्रूव करा है। और ये चीज़ भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, और मुझे नहीं आप सभी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस डिवाइस के अंदर। आप मुझे अपडेट करने के बाद मैं खुद भी बताना कि आपके डिवाइस में भी क्या फिंगरप्रिंट में इतना इंप्रूवमेंट हुआ है जितना मेरे हुआ था, मतलब भाई मेरे में तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, मतलब बता नहीं सकता। अगर आप खुद A50 यूज़ करते हो तो भाई ज़रूर अपडेट करना, एक बार ज़रूर ट्राई करना। बट एक चीज़ कहनी पड़ेगी यार, अब भी मतलब काफ़ी टाइम हो गया अपडेट करवाए और अब भी काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैं भी सैमसंग ने प्रोसेसर को काफ़ी ज़्यादा पावर दे दी हो या फिर मतलब मैक्सिमम पावर दे रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं, मतलब हीट काफ़ी हो रहा है। पर कोई बात नहीं, मैं आपको अपने FOT वाली वीडियो में बता दूंगा कि हीट जो है मतलब नॉर्मल हो ही नहीं हुई बाद में, या फिर बाद में हीट तो नहीं हो रहा गेमिंग वगैरह परफॉर्मेंस में कैसे हीट अप है। इसके अलावा यहाँ पर दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, हेलो और स्नैपचैट, जिनको आप नॉर्मली अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, और मैं इन एप्लीकेशन को रखूँगा नहीं, बिल्कुल टट्टी एप्लीकेशन है, टट्टी नहीं कहेंगे। पर ये वाली जो स्नैपचैट है ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है, जब से आप सभी तो मालूम होगा पीछे क्या क्या हुआ था, इंडिया को उन्होंने क्या कहा था। खैर पुराने मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। कैमरा के अंदर एक एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि जो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है वो हमें मिल जाएगा सेटिंग के अंदर, बट सैमसंग ने जो फिंगरप्रिंट का इंप्रूवमेंट करा है मुझे उसका आगे वो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं चाहिए इस अपडेट में। नेक्स्ट अपडेट में एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद से सैमसंग इंक्लूड कर दे, अगर कोई देख रहा है यार कर दो, काफ़ी ज़रूरत होता है यूट्यूबर्स के लिए, जो यूट्यूबर्स हैं A50 ले रखा है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो, मुझे पता है उसकी वैल्यू, बिकॉज पहले मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करता था, सब कुछ मोबाइल तक करता था, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूट्यूबर्स के लिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अभी ऐड नहीं हुआ है वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन हमारे सैमसंग A50 में, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट अपडेट में शायद सैमसंग ज़रूर सेट कर दे, मतलब कर देना भाई, बहुत अच्छा ऑप्शन होता है वो, अच्छा तो स्टेबलाइजेशन है बट वो भी अच्छा होता है कई कई पर। सो यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर बैटरी का एल्गोरिदम को इंप्रूव कराया, वो तो मैंने अभी टेस्ट नहीं करा, मतलब टाइम लगेगा उसमें, वीडियो जल्दी अपलोड करनी थी तो मैं आपको F40 वाली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि मैं अभी इसको काफ़ी ज़्यादा हैवी यूज़ करूँगा, देखूँगा इसका बैटरी में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, चार्जिंग में इंप्रूवमेंट हुआ है, एंड मैं आपको नेक्स्ट डे अपने सोशल मीडिया पर बता दूंगा पूरी रात में कितनी बैटरी डिस्चार्ज हुई मेरे A50 के अंदर, बिकॉज हाल फिलहाल तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज हो रही थी, लगभग 30-35% भी मेरी हुई है पूरी रात में, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, बट मेरे डिवाइस में काफ़ी मेजर प्रॉब्लम थी, आपके साथ में भी होगी बैटरी डिस्चार्ज की, फास्ट ज़्यादा डिस्चार्ज हो रही है सैमसंग A50 की। सो यहाँ पर बैटरी एल्गोरिदम इंप्रूव करा, मैं देखूँगा कि क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताऊँगा, बट शायद सैमसंग उस चीज़ को इंप्रूव कर दे जो मेरे साथ में हो रहा है रात भर में डिस्चार्ज हो रही है, तो देखते हैं। और यही था आज के इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो चलिए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आपको काफ़ी कुछ बताऊंगा सैमसंग के A50 के बारे में, कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि A50 में आपको नहीं मालूम होंगे, तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पर, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं, ज़रूर से देखना। मैंने काफ़ी सारे सैमसंग के One UI के हिडन फीचर्स के ऊपर बनाई है, सैमसंग के A50 के ऊपर बनाई है, A50 की LED नोटिफिकेशन कैसे ले सकते हैं उसके ऊपर बनाई है, काफ़ी अच्छे फीचर्स के ऊपर बनाई है, आप मेरे चैनल पर ज़रूर से चेकआउट करना जा करके, एंड आई एम श्योर कि आपको वो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली हैं, हिडन फीचर्स हैं एंड काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं यार चैनल पर पड़ी हुई हैं, अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर से देखना, और अगर आप चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हो, अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर वो भी देखना, क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं। और भाई इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है तो यार लाइक कर देना, मतलब इस वीडियो पर हम ज़्यादा लाइक नहीं रख रहे हैं, मतलब 500 रख रहे हैं, 500 तो आप कंप्लीट कर दोगे आई एम श्योर, तो यार 500 लाइक ज़रूर कंप्लीट कर देना, एंड चैनल पे भाई आप सभी की प्यार और सपोर्ट की वजह से 93,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए 100K के काफ़ी करीब है, तो
मदद कर दो और थोड़ा और प्यार दिखाओ और 100 के जल्द से जल्द कंप्लीट करा दो। एंड यही था आज के इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर करना इस वीडियो को। काफ़ी बार कह दिया बिकॉज मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगी है। सो मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।